बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की, बोले संत समाज की, बोले भक्त समाज की, बोले आज की आनंद की। हरिओम। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए तुलसीदास महाराज की। बंधुओं, बड़े ही प्रसन्नता की बात है कि हमें आपको भगवान ने कुछ बनने के लिए चुना, महान बनने के लिए चुना है, क्योंकि ये सत्संग सभी को प्राप्त नहीं होता। आइए, कुछ कहने के पहले थोड़ा सा एक व्यवहारिक चर्चा करेंगे, इसके बाद अपने प्रसंग में आएंगे। देखिए, कोई व्यक्ति बाहर जाता है एक, और वो झोली लेकर के आ जाता है। जब गया था तो झोली खाली थी, और जब आया तो भरी थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसने कुछ खरीदा है, अथवा कुछ उसने मांगा है, अथवा कुछ उसने चोरी की। इन रास्ते हैं बंधुओं। हम आप जब कहीं बाहर जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो वहाँ सब चीज़ें बिकती हैं, और हमारे पास पैसा ना हो और हमारी झोली भर जाए तो क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, या तो हमने भीख मांगी, या तो हमने चोरी की। दो ही रास्ते, हमारे पास पैसा नहीं है और हमारी जेब भरी है, इसका मतलब क्या है? या तो हमने भीख मांगी है, या हमने चोरी की। कहने का भाव हमारा क्या है? हम आप यहाँ सत्संग में आते हैं, कहीं भी आप बाजार में जाओ, यदि वहाँ आपको सुई खरीदना है तो उसका भी भाव होता है। ध्यान देना, कोई भी चीज आप बाजार में जाओगे यही पूछोगे कि भैया इसका जरा भाव बताओ क्या है। खरीदना हो कुछ भी, छोटी सी छोटी सुई खरीदना हो, तो उसका भी हम ये पूछेंगे कि भैया इसमें कितनी इसकी कीमत, क्या भाव है। बंधुओं, जब हम आप ब्रह्म विद्यालय में आते हैं, संत के यहाँ आते हैं, तो कुछ लेने के लिए आए, और जब यहाँ लेने आते हैं तो कुछ भाव तो आपको होना चाहिए कि हम यहाँ महाराज क्या भाव है। आज हमने मानस रखा है, गोस्वामी कहते हैं, जे श्रद्धा संभल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहू मानस अगम अति जिनहिं न प्रिय। कहने का हमारा भाव क्या है? आप संतों के पास आते हैं, कुछ भेंट लेके आते हैं, भेंट नहीं है आपके पास और यहां से कुछ ले जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने चोरी की। इसका मतलब यह है बनो, हमने मानस इसलिए रखवाई है
कि आप हम भगवान का निर्देश है कि जो हम संत दरबार में सत्संग कहीं भी जाते हैं तो कुछ जेब में लेके जाते हैं, नहीं तो हमें कुछ मिलने वाला। तो हमने मानस इसलिए रखवाई है कि ये सभी संतों का इसमें समागम सहुसात सब ग्रंथन को रस और मुनि घन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सबरी, अर्थात एक साधे सब सदे। हमारा कहने का भाव ये है कि जैसे हम संत के पास जाते हैं, भगवान कहते हैं जब मेरे पास आओ तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो कम से कम एक फूल ले लो। यदि आप फूल लेकर नहीं चलोगे, श्रद्धा नहीं करोगे तो तुम्हें आज से कुछ भी नहीं मिलेगा, और यदि लेते हो तो चोरी। मतलब हमारा कहना क्या है, मानस रखी हुई है, संत के पास आप आते हो, यहाँ पर चौबीस भंडारा करते हैं। क्यों करते हैं? हमें आपको सबको बुलाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, सब कुछ होता है, और हम हमारा क्या सहयोग इसमें? यदि हमारा कोई सहयोग नहीं है तो इसका मतलब क्या है? वही झोली वाली बात आ जाती है। यदि कुछ नहीं है, भगवान कहते हैं तो रास्ते से चलो तो एक फूल ले लो, और फूल भी तुम्हें प्राप्त नहीं है तो एक पत्ती ले लो, अर्पण करना होगा। यदि आप अर्पण नहीं करोगे, अभिमान आपका गलेगा नहीं, तो यहां से एक भी चीज आप ले नहीं जा सकते, ध्यान दे, और ले जाओगे तो चोरी होगी, और चोरी का परिणाम जानते हो क्या होगा। हम ये चाहते हैं कि ये कार्यक्रम इतना बढ़े कि पूरे एमपी में छा जाए, और ये होगा जब आप लोगों के सहयोग होगा। दूसरी बात, भगवान कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हारे पास पानी भी नहीं है, वो पत्ती भी नहीं है, तो जल तो सब जगह मिलता है। हम आप पूजा करने के जाते हैं तो बोलो पत्र कुछ ले जाते नहीं जाते, जल लेके जाते नहीं जाते, चलो भगवान कहते हैं वो भी नहीं, और छूट देता हूँ जा करके भगवान में सर तो धर दूँ, प्रणाम तो कर लूँ, स्पर्श तो कर लूँ। आपके सामने आज हमने मानस रखा, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आपको बैठे बैठे कुछ नए उसमें भेंट कर सकते तो अपना सर तो झुका ही सकते, आपसे निवेदन है। और इस मानस का जो भी आप भेंट करेंगे वो भंडारे में जाएगा, आरती होगी, आप थोड़ा सा अगरबत्ती लगा दोगे, एक मिनट, श्री गणेश जो है जो आदि हो रहा है। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि आप श्रद्धा नहीं रखोगे मानस पर तो मानस का सबका आधार है। क्या है मानस? हमें निज धर्म, आप भी बोलोगे हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज और जो हमें धर्म पर चलना सिखाती है उसको हम नमन नहीं करेंगे, उसको श्रद्धा नहीं करेंगे। बताओ संतों से आप लेने आए हो और संतों पर श्रद्धा ना करोगे तो क्या लेंगे? बोलो, मानस हमें धर्म पर चलना सिखाती है और हम मानस का सम्मान ना करेंगे, मानस को नमन नहीं करेंगे, मानस को पढ़ेंगे नहीं, मानस पर चलेंगे नहीं, तो कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? और क्या सिखाती है? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण,
और क्या है इसमें, जिन्हें संसार, ये तो है ही है दो रास्ते। और हमारा अभी महाराज जी कह रहे थे मंजिल, क्या है मंजिल, कहाँ जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण, बोली रागन सरकार की। अब आप लोग जो है बैठे बैठे जब आप यहाँ से चले तो हाथ स्पर्श रख करके हम चले, अभी आप बैठे हैं, हम ये चाहते हैं सब लोग हाथ जोड़ लें मानस के और प्रार्थना करें कि हमें सन्मार्ग पर प्रेरित करें। बोलिए राघवन सरकार की, आई बनो चलते हैं। स्वामी जी ने आते ही आते मंच में बैठते बैठते एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया। क्या है सूत्र, हम आप सब लोग मन से परेशान, इतना बीमार है, इतना बीमार है कि वो ठीक नहीं हो पा रहा, और मन ही कारण है हमें संसार में बांधने का, और मन ही कारण है, यदि हमारा ठीक हो जाए मन, यदि बीमार है तो हम, अच्छा बताओ यदि कोई चीज बीमार होगा, कोई बीमार होगा तो क्या वो सुख चैन से बैठेगा। और हम महाराज कह रहे थे कि मन बीमार है समझ लो, मन से ही हम आप संसार में गोता खा रहे हैं, ध्यान देना, मन से ही हम परमात्मा की ओर चल रहे, मन से ही हम तीन रास्ते हैं हमारे आपके जाने के, नर्क स्वर्ग अपवर्ग न सेनी। परमात्मा ने जो हमें मन दिया है क्या है इसका परिणाम, यदि हमारा मन ठीक है तो हम इससे स्वर्ग की यात्रा कर सकते हैं, यदि हमारा मन खराब है तो हम नर्क की यात्रा कर सकते हैं, और यदि मन हमारा निर्मल हो जाए, बीमारी से ठीक हो जाए तो हम अपने घर अपवर्ग भी जा सकते हैं। अब एक बार क्या हुआ, एक बच्चा स्कूल में गया पढ़ने, मास्टर कहता है बेटा कौन नर्क जाएगा कौन स्वर्ग जाएगा, सभी लोग कह, किसी से कहा हम भाई हम स्वर्ग जाएंगे, नर्क कौन जाएगा। अच्छा इसमें उसमें एक बच्चा था, ना उसने स्वर्ग के लिए कहा कुछ ना नर्क के लिए कहा, चुपचाप बैठा रहा, मास्टर की निगाह पड़ गई, ये कुछ बोल नहीं रहा और सब बच्चे तो बोल रहे हैं, क्या कारण है। बच्चे से पूछा गया बेटा कहाँ जाओगे, ना नर्क जाना चाहते हो ना स्वर्ग जाना चाहते हो, फिर कहाँ जाओगे। कहता है मेरी माँ ने चलते समय कहा था बेटा स्कूल में पढ़ करके अपने घर आना, ना नर्क जाने की आवश्यकता है और ना। अब हम आपसे पूछें आप यहाँ आए हैं कहाँ जाना चाहेंगे, नर्क जाना चाहेंगे या स्वर्ग जाना चाहेंगे। देखो नर्क भी जाओगे तो भी यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि नर्क का भोग होता है, भोगने के बाद फिर यहीं आओगे, स्वर्ग का स्वर्ग जाओगे तो स्वर्ग का भी भोग होता है, वो शुरू हो जाएगा तो फिर आपको यहीं आना पड़ेगा। फिर रास्ता क्या है। अच्छा और बच्चा यदि नर्क जाता और स्वर्ग जाता तो क्या वहाँ चैन से रह सकता है, ज़्यादा अच्छा वो ये है अपने घर। आप लोगों की भी ये हिदायत है, आप लोगों से निवेदन किया जा रहा है मानस के माध्यम से कि ना आप नर्क जाओ और ना स्वर्ग जाओ, और जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ।
स्वामी जी ने मंजिल की बात की थी। मंजिल क्या है? मंजिल वही है जहां से हम आए। बड़ा ही प्रश्न है, कुछ चार प्रश्न है हमारे जीवन के। एक पागल जा रहा है, उससे पूछो तुम्हारा नाम क्या है, कहां जा रहे हो, कैसे आए, बताओ उसके पास क्या उत्तर है। हम आपसे पूछें कि आप कौन हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, कहां जाना है, किस लिए आए हो, और आप यदि उत्तर न दे पाओ तो आप कौन हो। एक पागल से पूछो कहां जा रहे हो, वो पागल ही क्या होता है। हमसे कोई पूछे, आपसे कोई पूछे, अच्छा बताओ जिसके पास चार प्रश्न के उत्तर हो वो हाथ उठा दे। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां जाना है और क्यों आया। यदि आप ये नहीं जानते तो एज ए पागल। फिर क्या है, फिर एक ही रास्ता है कि उस पागल को पागल खाने में भेज दिया जाए। और कोई रास्ता है? तो आप, हम आप बड़े भाग्यशाली हैं कि हम आप लोग आगरा तक पहुंच चुके हैं और यहां फिर उस पागल, वो पागल भाग्यशाली है जिसको अच्छा डॉक्टर मिल जाए, फिर वो पागल भाग्यशाली है कि उसको अच्छी दवा मिल जाए, फिर वो भाग्यशाली है कि वो ठीक होकर के अपने घर आ जाए। हम आप सब भटक रहे हैं, पता ही नहीं है कहाँ से आए थे, कहाँ जाना। आकर चार रखी मानस, हमारी बात न मानना एक भी। आकर चार लाख चौरासी, अजो निभ्रमत यह जीव अविनाशी, फिर तो सदा फिर रहा है पागल। हम आप फिर रहे हैं अभी यहाँ, इसके बाद फिर किसी योन में, फिर किसी योन में, फिर किसी योन में, अनादिकाल से भटक रहे हैं। भाग्यशाली हैं आप कि आज ऐसे आगरा में आ गए हैं। अब दूसरा भाग्यशाली ये है कि आपको अच्छा कोई डॉक्टर मिल जाए। सबसे बड़ा भाग्यशाली वो है कि वहाँ से ठीक होकर के अपने घर बनू। आइए हम अपने प्रसंग में जाते हैं। वैसे ये प्रश्न तो बहुत बड़ा है, हम तो समझते हैं कि इसी को प्रसंग लिया जाए तो बहुत कुछ होगा, लेकिन हम स्वामी जी की घर बता दिया कहाँ जाने हैं बस। अच्छा ये बताओ, जितने लोग यहाँ आए हो, यहाँ के बाद कहाँ जाओगे, यहाँ के बाद कहाँ जाओगे, मैं जाओ बताओ। तो अपने घर से आई हो, घर जाओगी कि और कहीं जाओगी। यदि यहाँ से तुम कहीं गई तो भटक गई, और अपने घर गई तो कोई मतलब। आप कहाँ से आए हो? अच्छा आपका घर कहाँ है? जहाँ आपके माता पिता है वही तो घर है आपका, उसी घर से तो आए हो। और तुम हमारे घर चले जाओ तो क्या होगा, वहाँ सुख मिलेगा क्या तुम? अरे जहाँ से आए हो वहीं जाना पड़ेगा तुम, ठीक। हम कहाँ से आए हैं? हम आए हैं अपने माता पिता के यहाँ से। और हमारा माता पिता कहाँ है? ईश, आप नहीं जानते इसलिए यहाँ पर आए हो, इसीलिए हमने मानस रखा। हर प्रश्न का उत्तर मानस में मिलेगा, और हम आम मानस को देखते नहीं, मानस को पढ़ते नहीं। कहाँ से आए हो, कौन है तुम्हारा माता पिता? ईश्वर अंशो जीव अविनाशी। किसके अंश हो आप, किसके पुत्र हो? ये देह का, देह के माता पिता तुम्हारे घर में, लेकिन इसमें जो देह के अंदर जो बैठा है उसको जानते हो?
पहले यही ज्ञान नहीं है आपको, इसी को मैं माने बैठे हो, ये नहीं है तुम, इसमें तुम बैठे हो, ध्यान देना। हम पेड़ के नीचे बैठे हैं, हम पेड़ नहीं, हम इस मकान में रहते हैं, हम मकान नहीं हैं, हम मकान में रहने वाले, ये देह है, ये तुम्हारा घर है, इसमें तुम रहते हो, और वो जो रहते हो उसका माता पिता कौन है? ईश्वर अंश, हमने जानते, शास्त्र कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। सो क्या हुआ? सो माया बस, जैसे वो पागल कोई शराबी शराब के बस में आकर के नाली में पड़ा हो, उसे यही पता ना हो कि मेरा घर कहाँ है, मुझे जाना कहाँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान ने की। तो तो हमने आज मानस के माध्यम से समझा कि हम कौन हैं। हम हैं ईश्वर का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ध्यान देना, ये तुम शरीर नहीं हो, शरीर के अंदर जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो इस शरीर को चला रहा है, जिसके कारण से शरीर चल रहा है, वो तुम हो। ध्यान देना, ये कौन सिखाता है? मानस। ईश्वर अंशो जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हुआ क्या, क्यों नहीं याद है? इसलिए कि हम आप लोग नशे में बैठे हुए। कौन सा नशा? सो माया बस भयउ गुसाई और बंधु कीर मर कट की। माया का नशा। माया क्या है? मैं, ये मैं हूं, यही नशा। ये मोर, मैं और मोर तोर तय माया अजय बस की ने जीव निकाया। और कहते हैं माया क्या है? गो गोचर लग जहां मन जाई सो सब जानू माया। और हम आप माया के नशे में अपने को भूले, जैसे शराबी नशे में नाली में पड़ा हो और कहे मुझे बड़ा आनंद है, पप्पू की अम्मा जरा जो है मुझे और थोड़ा पानी पिला दो, पता नहीं कहाँ है, हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं, पी के नशा बैठे। फिर क्या हाल है? हल एक है कि हमारा ये नशा उतरे, और ये नशा उतरेगा बिनु सत्संग। इसलिए आप लोग आए हैं कि हमने जो नशा पिया है, इसके नशे में है, ये हमारा ठंडा हो जाए तब हम। अच्छा, शराबी का नशा उतर गया तो उसके घर की याद आ जाएगी ना जाएगी? पहुंच जाएगा घर, ना पहुंच जाएगा? तो हमारा नशा उतरे तो हम अपने, कहने का भाव हमारा ये है आज इतने सीख लो कि हम ये नहीं हैं, इसमें जो बैठा है वो परमात्मा का अंश है, और जब परमात्मा का अंश है, हमारा पिता माता परमात्मा है, तो हमें अपने घर परमात्मा के पास ही हमें जाना। ध्यान देना, इसलिए हमने कहा समानक क्या है? जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, इससे यहां से अपने घर जाना है, नरक स्वर्ग अपवर्ग नशेनी। बड़े भाग्यशाली हैं आप कि ऐसी नशेनी है कि इसको चाहे नरक के दरवाजे में लगा दो, यदि बुरे कर्म करोगे तो नरक रखा है, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग रखा है, और जो मानस सुनोगे तो अपना घर रखा है। नरक स्वर्ग अपवर्ग नशेनी ज्ञान विराग भगति सुख देन। हनु आइए, ये तो हुआ भूमिका, अब हम कहना क्या चाहते हैं? स्वामी जी के प्रसंग में
स्वामी ने कहा था हमें आपको मन को ठीक करना है, और मन शराब पिए हुए कैसे इसको ठीक करें, तो गोस्वामी जी मानस में सूत्र देते, बल्कि मानस के और जो सहयोग ग्रंथ हैं जैसे विनय पत्रिका, इसका हर गोस्वामी जी विनय पत्रिका में देते हैं। क्या कहते हैं, मोर मोर सब का कहा सो, अरे ये मैं हूं ये मेरा है, बस इतना ही आता है कि और कुछ आता है, मोर मोर सब का कहा से, अरे तू को कहू निज नाम, तू कौन है पहले ये तुमता मुझे, ये मेरा है ये मैं हूं ये वो है फलान ठिकान, अरे तू कौन है, ये तो तेरा शरीर है ये तो तेरा परिवार है, तू कौन है। गोस्वामी जी कहते हैं